What's up guys, this is Ask Extra, welcome back to another video. और guys, इतने ज़्यादा request के बाद finally आज मैं आ चुका हूँ अपने पहले reacting to your flips के video के साथ. बहुत ज़्यादा literally लोग इस video के लिए मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा request कर रहे थे कि भाई reacting to our flips बनाओ. So finally I'm here and आज मैं आप लोगों की videos के ऊपर react करने वाला हूँ. कुछ दिन पहले क्या बेसिकली एक हफ्ते पहले मैंने फ्राइडे को ही कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों की एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ. तो आप लोगों को सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पे क्लिप्स भेजनी है. बहुत ज़्यादा क्लिप्स आई मेरे पास. तो वैसे तो कई लोगों ने ये भी किया है कि मतलब एक एक बंदा पाँच छः वीडियोज़ भेजा है. तो मैं गाइज हर एक वीडियो पर्टिकुलर एक एक वीडियो पर तो नहीं रिएक्ट कर पाऊँगा, बट मैंने हर एक बंदे की क्लिप चूज़ करने की कोशिश करी है. और गाइज आज की जो वीडियो है, शुरू करने से पहले हम लोग अपने बात कर लेते हैं लाइक एम के बारे में. गाइज आज की वीडियो पे लाइक एम है 80 लाइक्स का. बहुत छोटा सा टारगेट है लेकिन गाइज मेरे को चाहिए और मेरे को पूरा भरोसा भी है एक्चुअली कि आप लोग कर बात होगी बहुत ईजिली. 80 लाइक्स जो है हो जाएंगे चैनल पे. तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, बिकॉज जो अब नेक्स्ट ट्यूसडे को वीडियो आने वाली है उसमें गाइज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए. बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ मैं ट्यूसडे की जो वीडियो है उसमें बहुत एक अच्छी न्यूज़ लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए. एंड उस वीडियो में मैं आज की वीडियो एंड जो मैंने ट्यूसडे को बैकफ्लिप फेयर वाली वीडियो डाली थी उन दोनों में से कमेंट पिक करके मेरे को शाउट आउट भी देना है. तो ट्यूसडे वाली वीडियो में हम लोग शाउट आउट दे देंगे. तो यार गाइज अब बातें बहुत हो गई एंड हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आज की पहली क्लिप की तरफ. सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग हमारी पहली वीडियो के साथ. तो पहली वीडियो जो है वो मैं ये क्लिक करा एंड ये है हमारी पहली वीडियो. अब गाइज मेरे को नाम नहीं पता है, बहुत से लोगों ने नाम मतलब डायरेक्टली इंस्टा पे भेजी थी एंड मैंने जो बेसिकली उनके नाम है वो नहीं देखे थे. मैंने डायरेक्टली जो वीडियोज़ थी वो डायरेक्टली डाउनलोड कर ली थी. मैं नाम तो नहीं बोल पाऊँगा लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो. तो हम लोग देखते हैं हमारी पहली वीडियो. तो ब्रो तुम स्टैंडिंग पुल में क्या कर रहे हो? बेसिकली मेरी स्टैंडिंग पुल इतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी मेरे को पता है क्या प्रॉपर टेक्निक होती है. तो तुम स्टैंडिंग पुल में क्या कर रहे हो? तुम डायरेक्टली वाइंड अप कर रहे हो, मतलब हाथों को स्विंग कर रहे हो एंड डायरेक्टली ट्विस्ट कर रहे हो. और स्टैंडिंग पुल में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बॉडी को ऊपर ले जाना, यानी कि पहले बॉडी को ऊपर फेंको देन ट्विस्ट ऐड करो. डायरेक्टली ट्विस्ट करोगे तो इतनी ज़्यादा ईजिली स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगी, बिकॉज जो ट्रिकिंग वाली फुल होती है स्टैंडिंग फुल होती है उसमें आप लोगों को डायरेक्टली ट्विस्ट ही करना होता है. लेकिन ट्रिकिंग वाली फुल के लिए आप लोगों को मतलब जो नॉर्मल फुल होती है मतलब नॉर्मल 360 बैकफ्लिप जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. तो तुमको सिर्फ ये करना है कि तुमको पहले बॉडी को ऊपर फेंकना है देन जो अपना ट्विस्ट है वो इनिशिएट करना है. तो कॉर्क में गलती क्या है? कॉर्क में देखो सबसे पहली मेन चीज़ ये होती है कि तुमको अच्छे से अपनी किक जो है वो पूरा ऊपर करना है. यानी देखो कॉर्क बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. पहली चीज़ होती है तुम्हारा चीट गेनर एंड दूसरी चीज़ होती है तुम्हारा बिग ट्विस्ट. तो तुमको जब कॉर्क मारनी है तो सिंपली अपने लेग से पूरी ताकत से पहले ऊपर की तरफ पूरा किक करना है, गेनर की तरह, चीट गेनर की तरह. देन जो है तुमको इसमें भी ट्विस्ट ऐड करना है. वही जो गलती तुम फुल में कर रहे हो वही तुम कॉर्क में भी कर रहे हो भाई, कि तुम जो हो डायरेक्टली फेंकने के बाद ट्विस्ट करे दे रहे हो. ट्विस्ट अच्छा है, ट्विस्ट हो जाएगा, लेकिन पहली चीज़ ये है मेन कि तुमको पहले बॉडी को ऊपर ले जाना है, कॉर्क में किक करके ऊपर ले जाना है, स्टैंडिंग फुल में हाथों को स्विंग करके बॉडी को ऊपर ले जाना है, देन ट्विस्ट ऐड करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस फिर जो तुम्हारी कॉर्क और फुल है वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगी. कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो. बहुत अच्छी, बहुत हार्ड, ये बहुत तगड़ा था कॉम्बो. और क्या था? टॉर्नेडो राउंड एंड बटरफ्लाई टू स्प्लिट. बढ़िया लग रहा है ब्रो, प्रैक्टिस करते रहो. अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. देखते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ. ओके सो वेबस्टर बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया है गाइस. भाई तुम्हारा वेबस्टर काफ़ी अच्छा है और हाइट से ट्राई कर रहे हो तो बस एक चीज़ ध्यान रखो कि टक जो है जितना जल्दी खोल दो उतना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वीडियो में आई थिंक लग रहा है तुमने शायद रोल मारा या तुम शायद गिर गए हो. तो अगर गिरे हो तो हाइट से जब भी वेबस्टर मारो तो जितना जल्दी हो सके अपना टक जो है वो छोड़ दो. उससे क्या होता है जैसे ही तुम्हारे पैर खुल जाएंगे तो लैंडिंग जो है तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती है. चलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ. ये है जरियाब टाइगर की तरफ से, इसमें टिकटॉक की वीडियो. तो मेरा देखो तुम लोगों का नाम इसमें मेरे को दिख रहा है. चलो देखते हैं. फ्रंट हैंड स्विंग, राउंड ऑफ बैक हैंड, बैक हैंड, लेफ्ट स्ट्रेट.
नाइस, अच्छा है ब्रो। देखो तुम्हारी फ्रंट हैंड स्विंग अच्छी है, मैं पूरा स्टैंडिंग आऊं एंड वहीं से ही डायरेक्ट अपनी बैक हैंड पे, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो बैक हैंड का फ्लो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि तुम ज्यादा अगर राउंड अप में बैठ जाओगे तो जो तुमने मोमेंटम लिया राउंड अप में, जो दौड़े तुम दौड़ना दौड़ के जो तुमने राउंड अप रखा, तो उसमें जो तुम्हारा मोमेंटम है ना वो सारा जमीन में चला जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा पीछे बैक हैंड स्विंग में। तो राउंड अप में ज्यादा बैठो नहीं, मतलब नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट आओ एंड वहीं से बैक हैंड फेंको। वेबस्टर अच्छा आया, वेबस्टर करते रहो प्रैक्टिस, और या चलो चलते हैं गाइस हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वेबस्टर ओके फाइन, बढ़िया है ब्रो तुम्हारा वेबस्टर, काफ़ी अच्छा है, और डायरेक्ट तुम किक करके मारो बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि टक को जो है जितना ज़्यादा हो सके अपना चेस्ट के पास लाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा टक तुम्हारा क्लोज रहेगा तुम्हारे चेस्ट के, उतना ज़्यादा तुम्हारी लैंडिंग जो है ना फाइन आएगी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये किसकी है? शिवम नायक। हाँ, शिवम नायक की तरफ से नेक्स्ट वीडियो है टीडी चीड़ी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है भाई तुम्हारा टीडी टू गेनर। प्रैक्टिस करते रहो, टीडी गेनर घूम रहा है तो और अटेम्प्ट करो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो गाइस, नेक्स्ट वीडियो है चीट गेनर। ओह शार, बहुत है टॉप के सारे इफेक्ट्स के साथ, बहुत अच्छा है ब्रो, बढ़िया पढ़ रहा है तुम्हारा चीट गेनर। चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये है किशन गुप्ता एरियल। ओके एरियल काफी अच्छी है ब्रो, और सब अच्छा है, किक भी फाइन जा रही है प्रॉपर, तुम्हारी बॉडी भी लीन है और काफी अच्छी एरियल पड़ रही है, लगे रहो बढ़िया है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस। ये है राउंड अप बैक हैंड फ्लैश, बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है ब्रो, करते रहो। टम्बलिंग, तुम्हारी टम्बलिंग अच्छी है, फ्लो अच्छा है काफ़ी तुम्हारा, और प्रैक्टिस करते रहो और नए नए मूव्स ट्राई करो, बढ़िया है, अच्छी पढ़ रही तुम्हारी। तो इट्स द नेक्स्ट वीडियो गाइस, नेक्स्ट वीडियो है एरियल ऑन कंक्रीट। अच्छा एरियल, ओके तो ब्रो तुम्हारी एरियल अच्छी पढ़ रही है, बहुत अच्छी है, इम्प्रूवमेंट है, और मतलब कोई गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो तुम्हारे पैर फोल्ड हो रहे हैं एयर में, स्ट्रेट रखो पैरों को, बिल्कुल भी एयर में फोल्ड मत करो, बिकॉज एयर में एरियल में पैर फोल्ड हो जाते हैं तो उतनी फाइन नहीं लगती है। पैरों को जितना ज़्यादा सीधा रखोगे उतना ज़्यादा एरियल जो फ्लिप है वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फाइन लगेगी, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस, ये भी शायद एरियल ही है। यस ये भी एरियल है, इसमें भी ब्रो तुम्हारी वही गलती है, अभी तुम्हारी जो एरियल है जैसे लग रहा है तुम सीख रहे हो एरियल, तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एरियल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि मैंने पिछले वाली एरियल में बोला कि पैरों को सीधा करो, जैसे कि तुम देख सकते हो राइट और मेरा पैर बहुत फोल्डेड है, ठीक है, तो पैरों को फोल्डेड रखो, और जो तुम्हारे हाथ हैं जो बेसिकली इस तरह से हैं ग्राउंड में, तो हाथों को यहाँ नहीं ऐसे टाइट रखो, और इसमें क्या करना है पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करना है ताकि जो एरिया है और ज़्यादा फाइन रहे। चलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये है सौम्या की तरफ से हुक काट फुल्ली लेग, बहुत फाड़, बहुत अच्छे कॉर्क डी लेग यार, बहुत अच्छी, एकदम जहर, कतई जहर वाली है, स्कूट फुल डी लेग, सब डी लेग था, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा था। ये है नील पाटिल की तरफ से, ये है वेबस्टर। अच्छा तो ब्रो तुम्हारे वेबस्टर में बॉडी, गाइज ये एक चीज माइंड में रखो कि वेबस्टर जब मारते हो तुम लोग तो वेबस्टर में बॉडी को ज्यादा नीचे लीन नहीं किया जाता है, वो चीज से तुम्हारी हाइट कम हो जाती है, हाइट बहुत ज्यादा खा जाता है। अगर तुम ज्यादा नीचे जाके डिप करके मारोगे वेबस्टर तो ऑलरेडी तुमने हाइट को कट कर दिया, रोटेशन का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर लैंडिंग नहीं होती लोगों की, तो लोग कहते हैं भाई लैंडिंग नहीं होगी, लैंडिंग नहीं होगी, गलती होती है टेक ऑफ में, ठीक है। बॉडी को ज़्यादा नीचे लीन नहीं करना होता है वेबस्टर साइड, वेबस्टर या वेबस्टर साइड जो भी है उसमें ज़्यादा लीन नहीं, बस अपने कमर तक, वेस्ट तक, ठीक है, कमर तक के लीन करो, अच्छे से किक करो और अच्छा टक करो, और ये वेबस्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो बस अच्छे से किक, पंजे से टेक ऑफ करो और ज़्यादा बॉडी नीचे डिप नहीं, अच्छा टक एंड बूम हो जाएगा। चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो है विशु किक्सर की तरफ से कार्ड फुल, बहुत अच्छे मकाकू,
अगेन कार्ड फुल, बहुत जबरदस्त। तो विशु तुमसे क्या बोले, तुम तो हो ही यार, तुम तो मेरी जान हो। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, एक नंबर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो, ये है सिकुन की तरफ से, और ये वीडियो मैंने जब तुमने भेजी थी ब्रो, मैंने देखी एंड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वीडियो। ठीक, सो अब रिएक्ट करते हैं, वैसे वीडियो भी अब इस पर रिएक्ट करते हैं। तो ठीक, नाइन, बहुत बढ़िया। और ये जो यार फिल्मिंग है ना, बहुत तगड़ी लगी मेरे को स्कूटफुल की यार। ये स्लोमो इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे, बहुत फार। हुक, टॉर्नेडो हुक, एरियल पॉप टॉर्नेडो, बहुत बढ़िया भाई, एकदम आग, बहुत अच्छी थी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ये है मोहम्मद अमन की तरफ से। मोहम्मद अमन ने भेजा है मेरे को वेबस्टर। ओके, तो ब्रो तुम्हारा वेबस्टर में काफ़ी दिक्कतें हैं, तुम पहली चीज़ बिल्कुल भी किक नहीं कर रहे हो, ठीक, पहली गलती। दूसरी चीज़, बॉडी बहुत ज़्यादा डिप कर रहे हो। अभी मैंने वेबस्टर की जितने भी वीडियोस थे उसमें सब में बताया, बॉडी डिप ज़्यादा नीचे नहीं होती है वेबस्टर में, हाइट लेने के लिए वेबस्टर में, ठीक है। बॉडी डिप ज़्यादा कर रहे हो, किक में बिल्कुल पावर नहीं लग रही है, बिकॉज अगर किक में पावर होती है और बॉडी अगर बंदा डिप भी करता है तो किक की वजह से भी लोगों की लैंडिंग हो जाती है। दो गलतियाँ तुम दोनों कर रहे हो, किक भी पावरफुल नहीं है, बॉडी भी नीचे डिप कर रहे हो, तो वो मैटर कर रहा है तुम्हारी लैंडिंग में, ठीक है। दूसरी चीज़, टक भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एंड तुमने हाथ भी राइट वाला ज़मीन पे लगा दिया, तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं। लेकिन ये वेबस्टर देख के पता चलता है कि तुम फर्स्ट टाइम में ही मार रहे होगे शायद, या तुमने अभी रिसेंटली ही वेबस्टर में रोटेट होना सीखा होगा। तो ब्रो मेरा वेबस्टर का ट्यूटोरियल देखो, मैंने उसमें जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान से फॉलो करो, और वो सब चीज़ों को अपने वेबस्टर में अप्लाई करो। पंजे से टेक ऑफ, अच्छे से किक, बॉडी को ज़्यादा नीचे नहीं ड्रॉप करना है, ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है, अच्छा टक, टोस पे लैंडिंग, टोस से टेक ऑफ, मूव हो जाएगा वेबस्टर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ये है सुमित की तरफ से, ये है राउंड द बैक, अच्छा हाँ राउंड द बैक। तो सुमित बहुत अच्छी है भाई राउंड ऑफ बैक फ्लिप, लेकिन खराबी अगर बोलें तो तुम पहली चीज़ इस समय राउंड ऑफ बैक फ्लिप नहीं मार रहे हो, तो जैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो, लॉकडाउन खत्म हो, राउंड ऑफ बैक फ्लिप तुमको फिर से निकालनी है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारी राउंड ऑफ बैक फ्लिप में तुम्हारा राउंड ऑफ अच्छा है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा डर निकला हुआ है, लेकिन तुम अंडर टक कर रहे हो और अब तुम रेडी हो कि तुम ओवर टक करो और सामने कोई टारगेट स्पॉट करो, ताकि तुम्हारी बैकफ्लिप में जो हाइट है राउंड ऑफ की वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। ओके गाइस, सो दैट इज अवर लास्ट वीडियो। आई थिंक ये वरुण, हाँ वरुण भारद्वाज नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो ये शायद एरियल है, हाँ एरियल है, वरुण ने भेजी है। ओके, तो वरुण तुम्हारी एरियल अच्छी है, ठीक है, तुम मतलब अभी आई थिंक स्टार्ट करा है तुमने फ्लिपिंग में, तो तुम्हारी एरियल उस हिसाब से काफ़ी अच्छी पड़ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने जो थोड़ा पहले अभी जो क्लिप थी जो एरियल के बारे में मैंने बोला, उसमें जो मैंने गलतियां बताई, लोग क्या कर रहे हैं गाइस, एरियल में अच्छे से किक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गलती क्या हो रही है, लोग अपने पैरों को फोल्ड कर देते हैं। पैर फोल्ड मत होने दो एयर में, बिल्कुल मत होने दो, बिल्कुल एकदम पैरों को टाइट, एकदम स्टिक रखो, एकदम मजबूत, एकदम टाइट रखना है पैरों को, तो बिल्कुल सीधे पैर जाए। जब सीधे पैर तुम्हारे ऐसे ऐसे जाएंगे ना, एरियल बहुत ज़्यादा फाइन लगेगी। ओके, यही मैं टिप देना चाहूँगा, बाकी एरियल तुम्हारी अच्छी पड़ रही है, बॉडी को और ज़्यादा लीन करो। अभी ये काइंड ऑफ बटरफ्लाई वाला लुक दे रही है, हुक एरियल वाला लुक दे रही है, हुक एरियल से प्रॉपर एरियल में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे डिप करो, डायरेक्ट फेंकने की कोशिश करो एंड पैरों को अपने सीधे करो, ताकि योर एरियल इज बढ़िया है, करते रहो। तो गाइज यहाँ होती है हमारी वीडियो की समाप्ति, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो जो है देखने में मज़ा आया हो, 80 लाइक्स का टारगेट है गाइज, प्लीज़ पूरा कर देना, और ऐसे ही वीडियोस गाइज मैं और बनाने वाला हूँ। ट्यूसडे को एक वीडियो आने वाली बड़ी ही ज़बरदस्त, कुछ आप लोगों के लिए ही है गाइज, वो एक चीज़ मैंने बेसिकली प्लान करी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो ट्यूसडे वाली वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, और इस वीडियो का अगर पार्ट टू चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत से लोगों की क्लिप्स मिस हुई हैं, तो होपफुली वो हम लोग पार्ट टू में ले लेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल भी मत भूलना। गुड लक गाइज, गुड लक विद द ट्रेनिंग, गुड लक विद द फ्लिप्स, पीस आउट।